हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा क्लास। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड का इलेवेंथ लेसन, मराठी का इलेवेंथ लेसन है ईंधन बचत। ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इसमें जो उन्होंने ईंधन का इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताया है और फातिमा और दीनू के थ्रू उन्होंने हमें ईंधन का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है वो समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए हम देखते हैं इलेवेंथ लेसन ईंधन बचत। तो यहाँ पे दीनू नाम का एक लड़का है, हम पिक्चर में देख रहे हैं दीनू और फातिमा के बीच में जो बातचीत हो रही है वही इस लेसन में उन्होंने हमें बताई है। दीनू ची आई आजारी होती, ती स्वयंपाकघरात आईसाठी चहा करत होता। दारावरची बेल वाजली, त्याने दार उघडले तर समोर त्याची वर्गमैत्रीण फातिमा उभी होती, त्याने तिला घरात बोलवले। दीनू नाम का एक लड़का है, उसकी माँ बीमार थी तो उसके लिए वो मम्मी के लिए, माँ के लिए वो क्या बना रहा था, घर में चाय बना रहा था। तब क्या हुआ, उसकी फ्रेंड आई और उन्होंने बेल बजाई तो वो वैसे के वैसे वो जो चाय बना रहा था किचन में वो वैसे ही गैस ऐसे ही छोड़ के वो डोर खोलकर देखने गया कि कौन आया है। तब उसके सामने वो उसके फ्रेंड थी जिसका नाम है फातिमा, दीनू। फातिमा ये बस, तो दीनू ने कहा फातिमा को आओ बैठो। फातिमा, दीनू तो काय करतोस? फातिमा ने दीनू को पूछा कि आप क्या कर रहे हो? दीनू, आई साठी चहा करतो, तुझा साठी करू का? मतलब वो बोल रहे हैं मैं मेरे माँ के लिए चाय बना रहा हूँ तो आपके लिए मैं एक चाय बना दू क्या? फातिमा हसत नको, मी चहा घेत नहीं। काय रे, एक कप चहा करण्यासाठी एवढं मोठं पातेल? मतलब फातिमा ने कहा कि मैं चाय नहीं लेती, मगर तुझे तो एक ही कप चाय करना है तो तूने इतना बड़ा बर्तन क्यों लिया चाय बनाने के लिए? दीनू, काय बिगड़ लो? दीनू उसे बता रहा है, तो क्या हुआ, इतना बड़ा लिया तो उसमें क्या जाता है, क्या बिगड़ गया? फातिमा, अरे छोटा पातेल घेतलं असतंस तर पाणी लवकर उकळलं असतं। अगर आप छोटा बर्तन लेते तो उसमें पानी जल्दी से बॉइल हो जाता है, मतलब हमारा ईंधन की बचत हो जाती है। दीनू, हे माझा लक्षात आलं नाही। तर दीनू ने कहा कि ये मुझे तो समझ में ही नहीं आया। अरे फातिमा, अरे छोटा पातेलामुळे चहा लवकर झाला असता आणि ईंधनाची म्हणजे गॅसची बचत झाली असती, समजलं? तर फातिमा ने कहा अगर तू जो बर्तन है वो छोटा लेता तो इससे क्या होता कि चाय भी जल्दी बन जाती और हमारा ईंधन भी सेव हो जाता, मतलब चाय भी जल्दी होती और हमारा जो गैस है वो भी सेव हो जाता। दीनू, समझ लो आणि लक्षात ही आलं। दीनू ने चहा कपात उतला आणि आईला नेऊन दिला। तो दीनू ने कहा अभी मुझे समझ में आया, इसका इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आया। अभी उसने क्या किया, चाय एक बर्तन में लिया और मम्मी को देख के आया, तो उसे वो ईंधन का महत्व समझ में आया। तो चलिए हम लोग अभी स्वाध्याय देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। अ हा संवाद कोठे झाला? तर हा संवाद, उसका उत्तर है हा संवाद स्वयंपाकघरात झाला। स्वयंपाकघरात मीन्स किचन मध्ये झाला है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि स्वयंपाकघरात, तो स्वयंपाकघरात ये जो दोनों खड़े हैं इसके लिए यह संवाद कहाँ पे हुआ है, स्वयंपाकघरात झाला है। संवादात किती पात्रे आहेत? तर संवादात दोन पात्रे आहेत, दीनू आणि फातिमा। दीनूला कशाचे महत्व पटले, इम्पॉर्टन्स त्याला कशाचं महत्व पटलं? तर दीनूला ईंधनाचे महत्व पटले। तर उत्तर आहे दीनूला ईंधनाचे महत्व पटले।